स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस ढंग से आप घर बैठे ही RGSS पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको SSO ID पे अपने ID और पासवर्ड लगा के साइट को ओपन करना है। जैसे ही आप SSO पर लॉगिन करेंगे, आपको इस टाइप का होम पेज नजर आएगा। यहाँ पे आपको सारे के सारे ऐप है वो नजर आएंगे, जो भी आपको ऐप है वो इस्तेमाल करते हैं वो ऊपरी नजर आएंगे। अगर आपको ऐप नजर नहीं आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अदर एक्टिव ऐप पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, इस पर मौजूद SSO ID पे जितने भी मौजूद ऐप है वो सभी आपको शो होने लगेंगे। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है RGSS का ऐप। तो देखिए, ये सबसे ऊपरी मुझे शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है। तो RGSS, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे इसकी जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। इस मैसेज को आपको क्रॉस करना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रजिस्टर एज सर्विंग एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, डू यू हैव जन आधार ID या जन आधार एनरोलमेंट ID। तो आपके पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर जन आधार कार्ड नहीं है तो नो पे करेंगे तो सीधा ये डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जन आधार ID बनाने के लिए आपको प्रोसेस बोला जाएगा। तो सबसे पहले आप, यदि आपके पास जन आधार है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो मेरे पास है तो मैं यस करता हूँ। यस करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपकी जन आधार नंबर है वो कितने हैं। तो मैं यहाँ पे अपने जन आधार नंबर है वो टाइप कर लेता हूँ और फिर बढ़ते हैं आगे। नंबर टाइप होने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब फैमिली में जितने भी आपके मेंबर हैं वो सारे शो होने लगेंगे। देखिए, यहाँ पे जितने भी मेरे फैमिली मेंबर हैं, जन आधार में जितने भी नाम है उनकी डिटेल है वो शो हो रही है, ठीक है। चार मेंबर है, चारों के चार नाम शो हो रहे हैं, आपको चेक करना है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो पहले जन आधार कार्ड में आप पहले संशोधन करवा दें, उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। देखिए, आपको सारी फैमिली डिटेल नजर आएगी, उसमें से आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका चुनाव करना है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी सदस्य है उसके आगे आपको टिक करना है। देखिए, यहाँ गोल घेरा दे रखा है, वहां पे आपको क्लिक करेंगे ये इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको कंटिन्यू नजर आ रहा है, वहां पे आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे इसका नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद में देखिए लिखा हुआ है, प्लीज सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड एम्प्लॉय ID, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी में आपको MLA, जुडिशियल ऑफिसर, जो भी आपकी कैटेगरी है उसका चुनाव करना है। तो यहाँ पे जैसे 1/1/2004 से पहले लगे हुए या 1/1/2004 के बाद लगे हुए, तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं। सर्वाइंग एम्प्लॉय ऑन, जैसे मैं 2004 के बाद लगा हुआ हूँ तो यहाँ पे मैं इसका चुनाव कर दूंगा, सर्वाइंग एम्प्लॉय ऑन एंड आफ्टर 114, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। उसके बाद में आपको अपनी एम्प्लॉय ID यहाँ टाइप करना है। तो मैं अपनी एम्प्लॉय ID को टाइप कर लेता हूँ। जैसे वेरीफाई करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। ये नेक्स्ट पेज आ गया, यहाँ पे आपके सारी फैमिली की डिटेल वापस नजर आएगी। पेज पे आपको डिफाइन फैमिली विद रेस्पेक्ट टू सिलेक्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं उनका आपको सिलेक्शन करना है कि आपका जो रिलेशन है उनके साथ में क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सबसे ऊपरी शो होगा, नीचे जितने भी मेंबर है वो शो होने लगेंगे। तो यहाँ पे रिलेशन आपको शो करना है। जैसे जितने भी मेंबर है आपको एक एक करके चुनाव कर सकते हैं, स्पाउस है, सन है, डॉटर है, क्या है आपके साथ में उनका रिश्ता, तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेंडर, मेल फीमेल वो आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक आएगा ये। फिर इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि आपके एक से अधिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो वापस वही पेज ओपन हो जाएगा और वहां पे आप ये वापस ID और शो करना। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल करके बता देता हूँ, देखिए जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी चुनाव करना है और एम्प्लॉय ID टाइप करना है। तो मेरे लिए सिर्फ एक ही मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ वापस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन इज पेंशनर, तो पेंशनर है तो उसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है। और बाकी एबल्ड, नॉट अवेलेबल, इज आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी और मैरिड स्टेटस आपको टाइप करना पड़ेगा। जितने भी मेंबर है उनके लिए मैरिड है, अनमैरिड है, तो आप जितने भी
कॉलम है उनकी सबकी पूर्ति करके आगे बढ़ना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इनकम, इनकम के अंदर आपको क्या करना है, नील और लेस देन इक्वल टू 6000 के अंदर शो कर देना, बाकी मेंबर के और बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके लिए नॉट अवेलेबल ही आएगा। तो मैंने कर दिया है नील और लेस देन इक्वल टू 6000। ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ब्लड ग्रुप आपके पास में अवेलेबल है, अगर आपके जानकारी है आपको तो कर देना, नहीं अन्यथा आपको ऐसे रहने देना है। नेक्स्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की आपको आयु है वो यहाँ टाइप करना है, रिटायरमेंट की डेट है वो यहाँ शो, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए होगी तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं। आगे बढ़ना है, ये सारी डिटेल चेक करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा। आरजीएस कार्ड फैमिली इलिजिबल मेंबर फॉर आरजीएस कैटेगरी 9, ठीक है, जो भी इलिजिबल है उनका नाम आ जाएगा यहाँ पे, जितने भी मेंबर आपके फैमिली में है उन सारी डिटेल यहाँ शो होने लगेगी। फिर चेकबॉक्स है वहां पे आपको टिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है, देख लेना है वापस जो भी आपने डिटेल्स डाली है वही है। देखिए यहाँ पे रिलेशन है वो शो होने लगा है, तो रिलेशन आप एक बार वापस चेक कर लेना, अगर गलती हो तो वापस आप बैक जाके इसको सुधार सकते हैं। आगे बढ़ता हूं और सबमिट करते रहो, सबमिट, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, यस यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर फैसिलिटी ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ ई कार्ड विल बी कमेंसिंग सून, ठीक है, तो यहाँ आप जो ई कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं क्लोज। ये है प्रोसेस पूरा ई कार्ड डाउनलोड करने का, बहुत ही ईजी है। देखिए अब ई कार्ड है वो, अब आपको यदि ई कार्ड डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, ई कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहां पे टिक करेंगे आपके सामने सीधा इसका जो ई कार्ड है आरजीएस का वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे जाके आप इजीली इसको प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ये सारा काम अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। थैंक यू।